दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो नया टेक्नीशियन है उन लोगों के लिए। और कुछ भाई हमको कमेंट किया था कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ब्लूटूथ हेडफोन में, उसका चार्ज हो रहा है, चार्जिंग लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन ब्लूटूथ हेडफोन ऑन नहीं हो रहा है और उसमें कोई भी साउंड भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा चलो इसका आज सॉल्यूशन कर देते। तो आज का वीडियो इसीलिए बहुत ही हेल्पफुल है उन सब टेक्नीशियन के लिए जो इसको रिपेयर करना चाहते हैं, और घर बैठ के जो भी बंदा ब्लूटूथ को रिपेयर करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि दोस्तों, ब्लूटूथ हेडफोन में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, एक चार्जिंग आईसी होता है और एक मेन आईसी होता है। तो मेन आईसी का अगर प्रॉब्लम होता है तो वो तो सही नहीं होगा, मेन आईसी दूसरा सेम टू सेम बैठाना होगा। और चार्जिंग आईसी का ख़राब होगा तो दूसरा बोर्ड से आप उठा के बैठा सकते हो। और एक प्रॉब्लम आता है जो कि शॉर्टिंग का, तो शॉर्टिंग का वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आता है। चार्जिंग करने के टाइम पर जो रेड वाला LED वो ग्लो करता है लेकिन ब्लूटूथ ऑन नहीं होता है और चार्ज भी नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये वही हेडफोन है ब्लूटूथ वाला। तो इसका हमने सर्किट को खोल के रखा है और इसका जो बैटरी का कनेक्शन है दोस्तों पॉजिटिव वाला, उसको भी हम खोल के रखे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और ये ब्लूटूथ हेडफोन जिसका है वो भाई इधर ही खड़ा है, वो अभी इसको लेके जाएगा, तो हम उससे भी देखेंगे बाद में क्या ठीक होने के बाद कितना खुशी होता है। तो चलिए बैटरी का जो वोल्टेज है पहले वो नाप लेते हैं। मीटर को DC 20 मोड में रख के ये देखिए बैटरी का जो है दोस्तों 380 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब बैटरी हमारा सही है। तो मैंने बोला था बैटरी ख़राब होने से भी ऐसा दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो बोर्ड में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक मेन आईसी है, एक चार्जिंग आईसी है, एक वो देखिए 2600 या 2400 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल रहता है ऑसिलेटर। तो बाकी जो छोटा छोटा पार्ट्स रहता है दोस्तों, और भी कुछ नहीं रहता है दोस्तों। तो इसको देखिए चार्जर डाल के मैं दिखाता हूँ। देखिए ये चार्ज हो रहा है, मतलब आप लोग सोचोगे कि ये ऑन है, चार्ज हो रहा है तो ऑन है दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर आप बैटरी का वायर खोल देते हो और चार्जर इसमें डाल देते हो तो उसमें जो है बैटरी मिसिंग का भी एक LED है, वो ग्लो करना चाहिए जो कि ऑन होने से होता है। तो देखिए अभी जो है मैंने वोल्टेज नापूंगा दोस्तों बैटरी जहाँ पे कनेक्ट होता है। तो देखिए हमको कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव में बोर्ड में देखिए हमको 0 वोल्टेज दिखा रहा है। देखिए अभी मैं इसको खोल दिया हूँ चार्जर को, तो खोलने के बाद अभी हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और बोर्ड में क्या करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। तो पहले बोर्ड को अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए बोर्ड के उल्टा दिशा में जो एक माइक है, 3 स्विच है, इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट्स नहीं है जो है दोस्तों, इस साइड में ही है। किसी किसी में 2 IC भी लगा रह सकता है दोस्तों चार्जिंग के लिए। और ये मेन IC है दोस्तों, मेन IC अगर ख़राब हो जाता है तो कभी भी सही नहीं होगा जब तक ना चेंज करो। और ये चार्जिंग IC है दोस्तों, इससे चार्ज होता है और चार्जिंग IC से मेन IC में कनेक्शन है। तो चार्जिंग IC और मेन IC के बीच में एक कनेक्शन आता है जो कि बैटरी से पॉजिटिव वाला वोल्टेज जो है वो उसका कनेक्शन रहता है। तो देखिए इसमें कुछ कैपेसिटर लगा है, ये देखिए ये वाला एक, ये वाला एक, तो और IC के बगल में तीनों कैपेसिटर है। तो सारी कैपेसिटर को हमको मीटर से चेक करना पड़ेगा बारी बारी, मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के। तो देखिए ये जो चार्जिंग कनेक्टर के बगल में कैपेसिटर है इसको हम चेक करेंगे। देखिए एक को चेक करेंगे, इसमें वैल्यू दिखा रहा है, और एक है उसको भी चेक करेंगे,
दोस्तों रजिस्टर जो है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी कैपेसिटर का वैल्यू चेक कर रहा हूँ, उसके बाद रजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो देखिए इधर जो है कैपेसिटर हमको शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए आईसी के बगल में जो तीनों कैपेसिटर कतार में लगा हुआ है वहाँ पे ही एक कैपेसिटर हमको शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, उसका बगल वाला कैपेसिटर चेक करेंगे। तो दोनों कैपेसिटर सही है, लेकिन एक कैपेसिटर शॉर्ट दिखाया हमको, तो बाकी सब एक एक करके हम चेक करेंगे। तो देखिए आईसी के बगल में जो चार्जिंग आईसी है उसके बगल में जो कैपेसिटर है वो भी हमको शॉर्ट दिखा रहा है, और ये बड़ा वाला आईसी जो है उसके बगल में कैपेसिटर वो भी हमको शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए ये वाला जो बोर्ड है, हम ट्वीज़र के मदद से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पे हमको कनेक्शन शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कनेक्शन है, एक ग्राउंड का है और एक आईसी से कनेक्शन गया है दोस्तों, जो मेन आईसी है। तो ये अगर मेन आईसी से एक कनेक्शन है चार्जिंग आईसी में आता है, तो यहीं पे भी एक कैपेसिटर है उसका भी ग्राउंड के साथ कनेक्शन है, और एक बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्शन है, और यहाँ से ही कनेक्शन जो है दोस्तों मेन आईसी में गया है। तो ये दोनों कैपेसिटर ही हमको शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है मेन आईसी अंदर से शॉर्ट हो गया हो इसी कारण दिखा रहा है, और हो सकता है चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो इसी कारण दिखा रहा है, और ये भी हो सकता हो कि कैपेसिटर ही शॉर्ट है इसी कारण ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो दोस्तों पहले जो है हम चार्जिंग आईसी के बगल में जो बड़ा वाला कैपेसिटर है उसको हम खोलेंगे। तो देखिए मैंने खोल लिया है, अभी उस कैपेसिटर को हम नापेंगे मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के, फिर जाके पता चलेगा। तो ये वाला देखिए छोटा कैपेसिटर, इसको हमको शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो कैपेसिटर है छोटा वाला जिसको हमने अभी उठाया था मीटर में, देखिए वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो बहुत सारा बंदा हमको कमेंट किया था, सर जो है ब्लूटूथ में चार्ज हो रहा है, चार्जिंग लाइट जल रहा है मतलब, लेकिन ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो उसका यही कारण होता है दोस्तों, आप लोग ऐसे चेक करके इसका फॉल्ट निकल सकते हो। तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए कैपेसिटर तो उतना ख़राब या जंग कुछ भी नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर ये शॉर्ट हो गया। तो कैपेसिटर ऐसा ही देखने में होता है दोस्तों, देख लीजिए ब्राउन कलर का होता है, इतना छोटा सा होता है। तो बहुत सारा बंदा को पता नहीं, इसलिए मैंने दिखा भी दिया। तो अभी जो है बोर्ड को हम चेक करके देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इसको हम चेक करके देखेंगे, अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों। अभी कंटिन्यूटी मोड हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पे बैटरी लगा रहता है आईसी के बगल में जो बैटरी का टिप है, तो वहीं पे देखिए हमको ओम्स दिखा रहा है, अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। पहले जो कि शॉर्ट दिखा रहा था वन दिखा रहा था दोस्तों। तो अभी इसमें चार्जर डालने के बाद हम वोल्टेज भी नापेंगे दोस्तों कि कितना वोल्टेज आ रहा है। पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था, और देखिए बैटरी का ये वाला जो है मैं देख लिया मीटर से ही है। अभी चार्जर का हम डाल रहे, तो देखिए दोस्तों ब्लू वाला एक लाइट जल रहा है। तो इसका पॉजिटिव वाला जो बैटरी का लेग है वो खुला हुआ है, तो ये बैटरी मिसिंग का भी सिग्नल देता है दोस्तों। जब आप ऑन करते हो तब भी ब्लू लाइट जलता है, और जब बैटरी का वायर खुला रहता है तब भी ब्लू लाइट जलता है। तो देखिए इसका जो चार्जिंग वोल्टेज सही है 4.2 वोल्ट जो होना चाहिए। तो हम चार्जर को खोल देता हूँ दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी का कनेक्शन हमने खोल लिया था
उसको हम सोल्ड कर देंगे बैटरी की पॉजिटिव हिस्से में बोर्ड का। तो देखिए मैंने अभी जो है इसको सोल्ड कर दिया है, अभी जल्दी से इसको सेट कर लेते, उसके बाद इसको चेक करेंगे। और ओ भैया इधर ही, मतलब भाई इधर ही खड़ा है, तो उससे ही हम चेक कराएंगे इसको। चेक करने ऑन कर, ऑन हो गया, ভালো করে গলা দেয় আবার নাই পড়ে যাবে। হ্যাঁ ভালো লাগছে এখন, কিছু বলবি? ব্লুটুথ হেডফোনটা ঠিক হয়ে গেছে, ভালো লাগলো, ঠিক হয়ে গেছে, অনেকদিন পর ফিরে গেলাম, কারোর থ্যাংকস।